हेलो माय फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द डिटर्मिनर्स डिटर्मिनर्स आर जस्ट लाइक द एडजेक्टिव्स एडजेक्टिव्स की तरह ही होते हैं बट दे आर लिटिल बिट डिफरेंट द डिटरमाइंस द नाउन डिटर्मिनर्स आर नाउन्स डिटर्मिनर और नाउन सिग्नल्स डिटर्मिनर और नाउन सिग्नल्स आर स्पेशल एज्जटिवज़ यूज बिफोर नाउन्स डिटर्मिनर या नाउन संकेतांक स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं विशेष विशेषण होते हैं जो नाउन से पहले संज्ञा से पहले लगाए जाते determiners हैं दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स कई प्रकार के डिटर्मिनर्स हैं वी विल रीड टीच अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स कई प्रकार के डिटर्मिनर्स के बारे में हमें देखेंगे द फर्स्ट काइंड इज आर्टिकल्स द फर्स्ट काइंड ऑफ द डिटर्मिनर पहला प्रकार डिटर्मिनर का वह है आर्टिकल आर्टिकल यू ऑल नो आर्टिकल ए एन दी ए एन द भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है द वर्ड ए एन एंड दे आर कोल्ड आर्टिकल्स द वर्ड्स ये शब्द ए, एन और दी आर कोल्ड आर्टिकल्स इनको आर्टिकल्स कहा जाता है दर्ड्स ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल शब्द ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है दे आर यूज विद सिंगुलर नाउंस दे आर यूज विद सिंगुलर नाउंस ये सिंगुलर नाउंस से पहले लगाए जाते हैं इनडेफिनेट हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल है अनिश्चित आर्टिकल्स हैं और ये सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया जाता है हमेशा कीप इन माइंड ए एंड एन आर्टिकल ऑलवेज यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले यूज किए जाते हैं द नेक्स्ट यूज़ ए बिफोर नाउन्स दैट वी विद कॉन्सनेंट यूज ए ए का यूज कीजिए नाउंस बिगिन विद कॉन्सनेट जो संज्ञाएँ कॉन्सनेट से शुरू है व्यंजन धवनी an से शुरू है एंड एन बिफोर द नाउंस दैट बिगिन विद ए वोवल और एन लगाइए बिफोर द नाउंस दैट बिगिन ए वोवल जो वोवल धवनी से शुरू है उन नाउन्स से पहले आपको एन लगाना है हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्टिकल एंड एन ए और एन आर्टिकल्स के यहाँ कुछ उदाहरण हैं द फर्स्ट पहला एग्जाम्पल जोन इज़ रीडिंग ए बुक जोन इज़ रीडिंग ए बुक जोन इज़ रीडिंग ए बुक बुक इज़ ए नाउन बुक संज्ञा है एंड इट इज़ ए सिंगुलर और ये सिंगुलर है वी यूज ए एंड एन बिफोर ए सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन काउंटेबल सिंगुलर नाउन जो पहली बार आई है उनसे पहले हमेशा ए और एन यूज करना है कीप इन माइंड जो संज्ञा पहली बार आए सेंटेंस में और वो सिंगुलर हो सिंगुलर मींस एक क्वेश्चन हो एंड सेकंड काउंटेबल काउंटेबल सिंगुलर नाउन कम्स फर्स्ट टाइम द सेंटेंस वाक्य में पहली बार सिंगुलर नाउन यदि आए उससे पहले आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है अंडरस्टैंड फ्रेंड्स अगेन नाउन काउंटेबल एंड सिंगुलर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस वाह में पहली बार जो संज्ञा है और वो सिंगुलर हो काउंटेबल हो उससे पहले एयर लगाएंगे हेयर जोन इज रीडिंग ए बुक जोन किताब पढ़ रहा है हेयर जोन इज रीडिंग ए बुक यहाँ जोन किताब पढ़ रहा है बुक बुक इज सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल नाउन एंड इट कम्स फर्स्ट टाइम इन देंटेंस वाक्य में पहली बार आए सो वी वुल यूज़ ए ये ए यूज़ करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेट साउंड से शुरू है सेकेंड वुड यू लाइक ए पिच वीड यू लाइक ए पिच हेयर वुड यू लाइक ए पिच पिच इज़ द सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड कम्स द फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस थर्ड इज़ दैट ए डॉग और ए फॉक्स इज़ दैट ए डॉग और ए फॉक्स डोग एंड फॉक्स बहुत आर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस इफ़ द नाउन रिपीट्स यदि वो नाउन रिपीट होती है तो सेकेंड टाइम वी पुट द बिफोर दैट नाउन दूसरी बार उस नाउन से पहले द लगाएंगे बट द फर्स्ट टाइम वी विल यूज़ ए एंड एन बिफोर द काउंटेबल सिंगुलर नाउन द थर्ड नेक्स्ट सेंटेंस यू सेल नीड ए रूलर और ए पेंसिल यू सेल नीड ए रूलर एंड ए पेंसिल हेयर द रूलर एंड ए पेंसिल रूलर एंड पेंसिल बहुत सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सो वी विल यूज ए बिफोर बहुत द नाउन दोनों ही नाउन से पहले यूज हुआ नेक्स्ट नेक्स्ट इज दियर एन इंस्ट्रेंस इज दियर एन एंट्रेंस एक्ट एट द बेक ऑफ द बिल्डिंग हेयर एंट्रेंस मींस परवेशो एन एंट्रेंस एट द बेक ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग के पीछे यहाँ एक प्रवेश भी है हेयर इंट्रेंस इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंट्रेंस मीन्स डॉर दरवाज़ा इट्स ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड कम्स फर्स्ट टाइम इन देंटेंस सो वी विल यूज ए एन 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 बिकॉज इट्सार्ट्स विद द वोवल साउंड ट्रेंस वोवल साउंड से शुरू इसलिए एन यूज़ होगा हैव यू यूअर सीन एन एलीफेंट क्या तुमने कभी एलिफेंट देखा है हैव यू यूअर सीन एन एलीफेंट हेयर एलिफेंट इज द काउंटेबल सिंगुलर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड इट्सार्ट्स विद वोवुल और ये वोवुल से शुरू हो तो सो वी यूज हियर एन I always take an apple to the school. I always take an apple to the school.

एन इसलिए एन रखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विद वोवल साउंड एसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वोवल साउंड शुरू से पहले एन लगाया जाएगा नेक्स्ट वुड यू लाइक टू लिव एन आईलैंड लिव ऑन आईलैंड आईलैंड ऑल्सो स्टार्ट वोवल साउंड सो वी यूज एन आर्टिकल एन सो फ्रेंड्स कीप इन माइंड द फर्स्ट थिंग वेन वी यूज आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन comes the first time in a sentence singular countable noun comes first down in the sentence we will use a or n the noun starts with consonant sound we use a and if the noun starts with a vowel sound we will use n before that noun okay the next this is the very important box सम वोल्स हैव ए कॉन्सोनेट साउंड एज वेल एज़ द वोवुल साउंडस सम वोल लेटर्स हैव द कॉन्सोनेंट साउंड एज वेल एज द वोवल साउंड कुछ ऐसे ऐसे वोवल्स है वोवल अक्सर हैं जिनमें कॉन्सोनेट दौनी भी आती है और साथ साथ वोवुल दवनी भी आती है देखो सम कॉन्सोनेट्स आर ए वोवल्स कॉन्सोनेंट साउंड और एज वेल एज वोल साउंड कुछ ऐसे वोवल्स हैं जिनकी कॉन्सोनेंट दौन नहीं आती है यूज आर्टिकल ए विद द नाउंस विद द नाउन दैट बिगिन विद दीज वोवल्स इन वोवल्स से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके साथ ए यूज करना है जैसे इज दियर ए यूनिवर्सिटी हेयर द आर वोवल यू इट वो यू गिव द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यहाँ यूनिवर्सिटी यू है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है ए की धोनी दे रहा है Here, देखो अब वो सेंटेज ऊपर सेंटेज था अम्ब्रेला अम्ब्रेला यू स्टार्ट विद ए बिकॉज इट इज द वोवल साउंड अम्बरेला ए इज द वोवल साउंड सो वी यूज एन बट यू यू नो हेयर द कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ यू है वो कॉन्सोनेट साउंड दे रहे यूनिवर्सिटी इज दियर ए यूनिवर्सिटी सो वी यूज ए इसलिए हम ए यूज करेंगे इज दियर ए यूनिवर्सिटी इन योर टाउन डज ए चाइल्ड इन द स्कूल वीर एम ए यूनिफॉर्म हेयर यू गिवज द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यहाँ यू कॉन्सोनेट ध्वनी दे रहे यूनिफॉर्म ए यूनिफॉर्म नेक्स्ट वी आर टेकिंग ए यूरोपियन वेकेशन ए यूरोपियन ए यूरोपियन इज साइलेंट ए यूरोपियन नॉट यूरोपियन ई नहीं है यूरोपियन इज साइलेंट सो वी यूज ए नॉट एन सो देयर आर सम वोवल्स लेटर कुछ वोवल अक्षर हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं कॉन्सोनेट धोनी है तो हमें कॉन्सोनेट दौड़ने से पहले हमेशा ए लगाना है नोट ए देर सम वर्ड्स बिगिन विद ए साइलेंट एच कुछ ऐसे होते हैं जो साइलेंट एच से शुरू होते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो साइलेंट एच से शुरू होते हैं और उनके बाद साइलेंट एच होने के बाद वो वुल साउंड आती है सो वी विल यूज एन यूज एन विद नाउंस दैट बिगिन विद ए साइलेंट एर साइलेंट एयर से शुरू होने वाली धोनी के साथ हम एर यूज करेंगे वी हैव बीन वेटिंग हीयर एन हेयर फॉर एन आवर वी हैव बीन वेटिंग हीयर फॉर एन आवर फॉर एन आवर ऑवर नोट होवर ओवर आवर स्टार्ट विद द वोबुल साउंड ये वोबुल साउंड शुरू इसलिए एन यूज करेंगे मीटिंग द प्रेजिडेंट वॉज एन ओनर नोट होनर बट ओनर ओनर इज ऑल्सो वोवल साउंड सो वी यूज एन सो प्लीज़ कीप इन माइंड कीप इन माइंड द साउंड नोट लेटर्स अक्सरों का ध्यान रखना साउंड का ध्यान रखना है यदि वोवल साउंड शुरू है सिंगुलर काउंटेबल नाउंड तो एन लगाना है और इफ़ दर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्स्टेबल कॉन्सोनेट साउंड कॉन्सोनेट साउंड शुरू है तो वी विल यूज ए नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल दे वी आर रीडिंग ए एंड ए आर एन आर्टिकल अभी तक एन पढ़ रहे थे नाउ द वर्ड दल्ड द डेफिनेट आर्टिकल शब्द द है उसको द भी बोलते हैं और दी बोलते हैं दर्ड द इज कोल्ड द डेफिनेट आर्टिकल वर्ड द है वो डेफिनेट आर्टिकल है यूज द बिफोर ए नाउन वेन यू आर टॉकिंग वेन यू आर टोकिंग यूज़ वर्ड द यूज वर्ड यूज यूज द बिफोर ए नाउन एक संज्ञा से पहले द यूज कीजिए वेन यू आर टोकिंग टू समन जब तुम किसी से बात कर रहे हो हु ऑलरेडी नोज जो पहले से ही जानता है विच पर्सन और थिंग यू मीन कि तुम्हारा किस चीज़ और वस्तु से मतलब है कहने का मतलब है यदि कोई चीज़ डेफिनेट यदि कोई संज्ञा निश्चित है जिससे आप किसी चीज़ से किसी सुनने वाले से किस किस संज्ञा के बारे में बात कर रहे हो और उस संज्ञा का उसको पहले से पता है तो यानी डेफिनेट पहले आ गई है वो संज्ञा कन्वर्जेशन वार्तालाप में तो हम उस संज्ञा से पहले द यूज करेंगे डेफिनेट मीन्स दैट कम्स बिफोर जो पहले आ गई है उससे पहले ए और एन यूज हो चुका है अब वो दोबारा आ रही है आगे सेंटेंसेज में पता उसका इंट्रोड्यूस पहले हो गया है सेकेंड टाइम इफ ए नाउन कम सेकेंड टाइम इन द कन्वर्जेशन यदि वार्तालाप में किसी अध्याय में सेकेंड टाइम वो संज्ञा आ रही है तो वी विल यूज द बिफोर दैट नाउन डेड इज सीटिंग इन द गार्डन डेड इज सीटिंग इन द गार्डन हे आर द गार्डन इज फिक्सड बिकॉज लिसनर नोज गार्डन फिक्सड है और लिसनर को पहले ही पता है कि किस गार्डन से बात की जा रही है डेढ़ दे इज सिटिंग द गार्डन डेड गार्डन में बैठे हैं यहाँ गार्डन है जिसे सुनने वालों को पता है कि गार्डन कौन सा यदि कोई नया गार्डन हो तो हम करेंगे डेड इज सिटिंग इन ए गार्डन इन ए गार्डन, इन ए गार्डन मीन्स द लिसनर डोंट नो विच इज द गार्डन हु मेड द मेस ऑन द कारपेट हु मेड द मेस ऑन द कारपेट हेयर बहुत थिंग्स आर फिक्स्ड बिकॉज लिस्नर नोज ट्रन द टेलीविज़न ऑफ नाओ ट्रन द टेलीविज़न ऑफ नाओ बिकॉज द टेलीविज़न फिक्सड टेलीविजन द लिस्नर नोज सुनने वाले को पता है विथ टेलीविज़न गोइंग टू बी टॉक्ड किस टेलीविज़न के बारे में बात चल रही है कौन से टेलीविज़न को ऑफ करना है ये लिसनर को पता है सो so, द फिक्स्ड निश्चित दो चीज़ें हैं जिसमें सुनने वालों को पता हो उससे पहले हमेशा दया लगाया जाता है आई से वेट फॉर यू इन द कार द कार इज फिक्सड लिसनर को पता है कौन सी कार के बारे में बातचीत चल रही है द बॉयज आर द अपस्टेयर एंड द गर्ल्स आर आउटसाइड बॉयज आर अपस्टेयर गर्ल्स एंड द गर्ल्स आर आउटसाइड इन द स्ट्रीट ऑल दिज नाउन्स आर फिक्सड जिस पहले ही फिक्स्ड है कि लड़कों लड़के सीढ़ियों पर है लड़कियां बाहर है गली में तो ये चीज़ें पहले से लिसनर को पता है कि कौन से लड़के कौन सी लड़कियां और कौन सी गली है यदि कोई नई चीज़ हो उससे पहले ए और एन लगाया जाता है नहीं तो देगा यूजिंग नाउन्स विदाउट आर्टिकल ऐसी संज्ञाएं जिनसे पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट विथ नाउंस हैवेंट एनी आर्टिकल कौन सी संज्ञा है जिनसे पहले आर्टिकलें नहीं होता है वेन यू आर टोकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल जब तुम किसी चीज़ की सामान्यतः बात कर रहे हो वैन यू आर टोकिंग समथिंग इन जनरल जब तुम किसी चीज़ की सामान्यतः बात कर रहे हो नोट ए पर्टिकुलर थिंग किसी विशेष चीज़ की बात नहीं कर रहे हो जनरल सामान्य चीज़ की आप बात कर रहे हो जनरली कोई चीज़ की बात कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं कर रहे हो यू जे नाउन विदाउट एक आर्टिकल है <laughs> उस संज्ञा को आप बिना आर्टिकल यूज़ करना है यू कैन ऑल्सो यूज़ द पल्यूरल यू कैन ऑल्सो यूज़ पल्यूरल नाउन्स विदाउट द आर्टिकल और पल्यूरल नाउन से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है पल्यूरल नाउन से से पहले भी बहुत कम आर्टिकल का यूज़ होता है जिन की सामान्यतः बातचीत होती है उन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है और मुख्य रूप से पल्यूरल नाउन्स जो पहली बार आई है उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है फ्रोग्स आर ए Frogs आर माई फेवरेट एनिमल्स Frogs आर माई फेवरेट एनिमल Frogs आर माई फेवरेट एनिमल हे आर are आर nouns. नाउन फ्रॉग्स पल्यूरस है एंड दे आर इनडेफिनेट और वे अनिश्चित है कि किन frogs के बारे में किन मेंढकों के बारे में बातचीत की जा रही है सो वी डोंट यूज़ द बिफोर द frogs हेयर चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम से चिल्ड्रन इज द पल्यूरल नाउन बच्चे हैं वो बहुत चन संगे है वी कांट यूज बिफोर इट द आर्टिकल हम इनसे इससे पहले आर्टिकल यूज नहीं कर सकते बेबीज क्राइज ए लॉट ग्लासेज बर्ड्स पीपल ऑल दीज नाउन्स आर पल्यूरल सो पल्यूरल एंड इनडेफिनेट पल्यूरो निश्चित है सो वी कॉन्ट यूज़ आर्टिकल बिफोर दीज नाउंस द नेक्स्ट द नेक्स्ट यू विल गोइंग टू टॉक अबाउट यूजिंग नाउंस विदाउट आर्टिकल्स द नेक्स्ट नाउंस दैट डोंट सो क्वान्टिटी ऐसी संज्ञा जो क्वांटिटी को प्रदर्शित नहीं करती नाउंस करतीट डोंट सो क्वान्टिटी आर नॉर्मली यूज बिफोर विदाउट ए एयर एन ऐसी संज्ञा जो क्वान्टिटी को नाउंस दैट नाउंस दैट डोंट सो क्वान्टिटी नॉर्मली यूजड विदाउट दिन ऐसी संज्ञा जो क्वान्टिटी को प्रदर्शित नहीं करती वो ए और एन बिना यूज होती है द आर्टिकल दावेर में भी यूज द यूज किया जाता है लेकिन जो क्वान्टिटी को प्रदर्शित नहीं करती उनसे पहले ए एन यूज नहीं होगा यूज हो सकता है फिर भी विद नाउन द डोंट सो क्वानिटी जो संघ क्वानिटी उससे पहले नाउन धूप बट इट डोंट सो मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकती ये मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकती एंड इट्स अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल पहले ए एन यूज नहीं होता तो यूज़ हो सकता है आई समाइम्स हैव फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट समाइम हैव फ्रूट्स मेरे पास फ्रूट्स होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए तो यहाँ पर फ्रूट्स आर ऑल्सो अनकाउंटेबल सनसाइनकाउंटेबल फ्रूट्स आर अनकाउंटेबल आई हैव गोट द डर्ट टाइम शुगर टाइम द सल्ट साल्ट

इस बार इसलिए दया यूज हो सकता है कैन आई बोरो द फाइन पेंट क्या मैं पेंट ले सकता हूँ वेन यू हैव फिनिश डिजल तुम पूरा कर लो यहाँ पेंट किसकी बात चीज है इस लिसनर को पता है सुनने को पता है इसलिए दया यूज किया है लेकिन ये अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव आर्ट

विच थिंग्स और पर्सन यू मीन ये उस चीज पॉइंट आउट करते उस चीज़ को उल्लेख करते हैं इशारा करते हैं उस चीज़ का उल्लेख करते हैं इशारा करते हैं जिसका तुम्हारा मतलब है यू और दे आर कोल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेट्स वो डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनेट कहलाते हैं यानी ए सी दिस दिस डेट दिस दो ऐसे प्रोनाउन्स और एजेक्टिव है जिसका तुम इशारा कर रहे हो किसी संज्ञा को पॉइंट आउट कर रहे हो इशारा कर रहे हो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेट्स कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन इशारा यदि आप किसी संज्ञा को इंडिकेट कर रहे हो इशारा कर रहे हो नज़दीक और दूरी के मामले में इशारा कर रहे हो पॉइंटिंग आउट वाई फिंगर अंगुली से इशारा कर रहे हो तो उस संज्ञा से पहले दिस दैट दिस दो यूज होगा कीप इन माइंड पहला प्रकार है डिटर्मिनट्स का आर्टिकल दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनट्स डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना ऐसी डिटर्मिनट्स जो किसी संज्ञा को इंडिकेट कर रहा है प्रदर्शित कर रहा है उससे पहले दिस दैट दिस दो जो जाता है यूज दिस एंड दीज टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड पीपल दैट आर नियर दिस और दिज यूज़ करना है जो संज्ञाएं आपके पास है ए उन संज्ञाओं की तरफ इशारा करना है दिस दो

रीड अबाउट द एग्जाम्पल यूज दिस विद सिंगुलर नाउंस नजदीक और सिंगुलर द थिंग्स दैट आर नियर एंड सिंगुलर वो चीज जो नजदीक और सिंगुलर है उसको इंडिकेट करना है तो वी विल यूज दिस जैसे हु दिस हाउस इस घर में कौन रहता है दिस कार बिलोंग्स टू माई मॉम ये कार मेरी मम्मी की है दिस कार मीन्स द कार इज वेरी नियर टू स्पीकर बोल वाले बिल्कुल पास में दिस फिट द लॉक बिकॉज द की इज इन देड ऑफ द स्पीकर चाबी स्पीकर के हाथ में है दिस बुक इज इन इज माई फेवरेट दिस बुक यह पुस्तक इट मीन्स द बुक इज वेरी नियर टू द स्पीकर बोलने और बिल्कुल पास में यह पुस्तक हु दिस मनी ये धन किसने दिया दिस मनी मनी मीन्स धन ये धन स्पीकर के बिल्कुल नजदीक हाथ में दिस चीज टेस्ट फनी ये पनर बड़ा अटपटा है सो द सिंगुलर एंड नियर द स्पीकर वो चीजें जो बोलने वाले बिल्कुल पास में है और सिंगुलर से पहले दिस यूज करेंगे दिस यूज करना है दीज दीज ट्रजर्स वेन थिंग्स आर पल्यूरल वी यूज दीज पास में और पल है नहीं। तो वी विल इन दिस पजामे बड़े छोटे हैं आई डों कॉमिक्स मुझे पसंद नहीं है दीज बिस्किट्स डोंट टेस्ट डोंट टेस्ट वेरी गुड इट मींस द स्पीकर इज ईटिंग इसका मतलब स्पीकर खा रहा है बिल्कुल हाथ में उसकी बिस्किट और कह रही है अच्छे नहीं है आई बॉट दीज एपल्स फॉर लंच और मैंने ये प्लस लंच के लिए ख़रीदे हैं इट मीन्स बिल्कुल नज़दीक में हो तो दीज यूज़ करना है इज़ देर एन अडल्ट दिज चिल्ड्रन इज़ देर एन अडल्ट विज चिल्ड्रन क्या इन बच्चों में कोई बड़ा है तो इट मींस दीज थिंग्स दैट आर थिंग्स दैट आर वेरी नियर वी विल यूज दिस एंड दीज बिल्कुल पास में है उनके लिए दिस दिस यूज करिए और इफ़ द सिंगुलर सिंगुलर तो दिस एंड इफ थिंग्स आर थिंगल यदि बहुवचन है तो वी विल यूज दिज सो कीप इन यूज दैट एंड दोज टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर वेरी फार्दर अवे फ्रॉम यू वो चीजें जो बिल्कुल दूर है यूज दिज एंड दैट एंड दोज दैट एंड दोज का यूज कीजिए उन चीजों की बात करने के लिए जो चीजें बहुत ही दूर है दिस चेयर इज माइन दैट चेयर इज़ योर्स दिस चेयर इज माइन दैट चेयर इज योर्स ये कुर्सी मेरी है वो तुम्हारी है दिस का मतलब कुर्सी पास में और दूर वाली का इंडिकेशन क्या जा रहा है दिस चेयर इट मीन्स चेयर इज नियर दैट चेयर इट मीन्स चेयर इज फार अवे दिस इज माइन दैट इज़ योर्स ये मेरी है वो तुम्हारी है दैट एनिमल इज मेकिंग ए फनी नॉइज वह जानवर इट मीन्स द एनिमल इज़ फार अवे फ्रॉम द स्पीकर

ज दैट ड्रेस वो ड्रेस कितना कहा है वी यूज दैट बिफोर फार अवे द नेक्स्ट दोज दोज आर यूज फॉर पल्यूरल थिंग्स दैट आर फार अवे फ्रॉम द स्पीकर बोलने और से जो चीजें दूर है उनके लिए दो यूज नहीं आई गेव माई सैंडविचेज दो मैंने वो सैंडविचेज उन लड़कों को दी दोज चिल्ड्रो टू ए वेरी डिफरेंट स्कूल वो चिल्ड्रन बहुत ही अलग स्कूल में गए हैं जाते हैं नेक्स्ट दोज शूज आर माइन एंड दोज शूज आर माइन एंड दोज आर दो योर ये जुते मेरे हैं और वो तुम्हारे हैं द नेक्स्ट दीज एपल्स लुक फ्रेश एंड दोज एपल्स लुक रोटन दीज में से ये पास में है दोज में से वो दूरी पर है दोज पीपल आर फ्रॉम अफ्रीका वो लोग अफ्रीका से हैं सो फ्रेंड्स लर्न दिस डेट दीज दोज दिस दैट दिस दोज इंडिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं संकेत देने के लिए यूज किए जाते हैं यदि कोई चीज़ सिंगुलर चीज़ नज़दीक है तो दिस यूज़ करना उस चीज़ से पहले यदि कोई चीज़ दूरी पर है सिंगुलर तो दैट यूज़ करना है यदि कोई बहुवचन चीज़ है एक से ज़्यादा है और नज़दीक है तो दीज यूज़ करना है और दूरी पर है तो दो यूज़ करना है क्वान्टीफ डिटर्मिनल्स ऐसी संख्याएँ जो क्वान्टीफ करें मात्राएँ या उसकी मात्राएं बताएं वो डिटर्मिनर्स कौन से हैं देखो क्वेंटीफाइंग डिटर्मिन मात्राएं बताने वाले डिटर्म वर्ड सच इज मैनी टेल अबाउट द क्वांटिटी विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट नंबर ऐसे शब्द जैसे मच मैनी है मच है सेवरल है वो क्वांटिटी बताती है बिना कोई एग्जैक्ट नंबर दिए बिना कोई सही संख्या बताए क्वांटिटी बताती है मात्रा बताती है दे आर कॉल्ड क्वांटिफाइंग फाइंग उनको क्वांटिफाइंग फाइन कहलाते हैं कहे जाते हैं देखो आगे सम क्वालिफाइडर कुछ क्वालिफाट्स पल्यूरस के से पहले यूज होते हैं दे आर आर वो वे हैं। देखो क्वेंटीफाइव डिटर्मेंट कौन से हैं फ्यू ए मेनी सेवरल एंड बोथ दीज आर द्वेंटीफाइव determiners जो संख्या नहीं बताती है इनडेफिनेट ये है है फ्यू पीपल बीन

द मैनी वर्ल्ड मैनी आर इनडेफिनेट आर इन डेफिनेट डिटर्मिनर्स इनडेफिनेट डिटर्मिन क्वेंटी फाइन डिटर्मिनर्स सेवरल फ्रेंड्स वेंट विद मी कई फ्रेंड्स मेरे साथ गए हैं बहुत ब्रदर्स है और डार्क है दोनों ही भाइयों के काले बाल हैं सो दीज आर द क्वेंटी फाइन डिटर्मिनर्स सम क्वेंटी फाइव डिटर्मिनर्स कैन बी यूज पे पलुलर नाउन्स अनाउंस नाउंस दैट सो नो एग्जैक्ट नंबर कुछ डिटर्मिनेट्स ऐसे होते हैं जो पल नाउंस के द्वारा यूज के साथ यूज होते हैं और कोई एग्जैक्ट नंबर को प्रदर्शित नहीं करते हैं वो कौन से डिफरेंस देखो ऑल वो डिटर्मेंस हैं ऑल हाफ सम इनफ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ मोर मोस्ट अदर प्लेंटी ऑफ दीज आर द डिटर्मिन ट्वेंटी फाइव

नंबर से सम गर्ल्स लाइक टू प्ले फुटबॉल कुछ लड़कियां फुटबॉल पसंद करती है खेलना सम गर्ल्स हेयर दीज आर द क्वेंटीफाइंगस इन डेफिनेट टेलिंग इन डेफिनेट नंबर तो ए निश्चित संख्या बता रही है कि कितनी लड़कियाँ कुछ लड़कियाँ एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है केन आई है उस वाटर क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है हेयर आर ऑल्सो क्वेंटीफाइंग एग्जेक्टिव टस ये भी क्वान्टिफाइन डिटर्मिनट्स है मात्रा बताई जा रही है और इनडेफिनेट है कितना पानी कुछ पानी पता ही नहीं है डू यू हैव इनअ बुक्स क्या आपके पास पर्याप्त किताबें हैं दिस इज ऑल्सो डिटरफाइन डिटर्मिनट्स इनफ मेटेरियल ए लॉट ऑफ पीपल लाइक बर्गलर्स बहुत से लोग बर्गलर्स कितना होते हैं लॉट ऑफ फ्रूट्स लॉट ऑफ फ्रूट्स बहुत से फल दे डोंट देखो लॉट ऑफ ए लॉट ऑफ रूट एलोट ऑफ के बाद सिंगुलर यूज हुई है नाउन दे वेंट टू ए पार्क विद लॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स लॉर्ड्स ऑफ के बाद फल्यूरल यूज होती है ए लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर यूज होती है लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स सो दीज आर द डिटर्मिनर्स दैट ट्वेंटीफाइंग द नाउन जो संख्या की मात्रा बताते हैं डोंट टेल द एग्जैक्ट नंबर जो सही संख्या नहीं बताते हैं सम डिटर्मिनर्स सम डिटर्मिनर्स सम डिटर्मिनर्स कैन बी यूज विद नाउन्स नो एग्जैक्ट नंबर कुछ डिटर्मिनर्स हैं वो उन नाउंस से पहले यूज होते हैं जिनके कोई एग्जैक्ट नंबर से नहीं होते हैं जैसे कौन से लिटिल एंड ए लिटिल मच और लेस लिटिल ए लिटिल और मच्छे और लेस दीज आर द डिटर्मिनर्स देट यूज बिफोर द नाउन दैट डोंट टेल द एग्जैक्ट नंबर मात्रा बताते लेकिन एग्जैक्ट मात्रा भी नहीं बताते हैं डिफिनेट मा क्वेंटिफाइंगे है वी हैव लिटिल टाइम बहुत कम टाइम हमारे पास वी हैव लिटिल रॉइस लेफ्ट हमारे पास बहुत कम राइस बचा है डू डज द टीचर गिव यू मथ्स होमवर्क आपने अध्यापक ने आपको बहुत गहरेकारी दिया है अब बहुत कितना पता ही नहीं है भी एग्जैक्ट नंबर नहीं है आई गॉट लेस आइसक्रीम दैन यू मेरे पास कम आइसक्रीम है कितनी कम है पता ही नहीं है सो दीज आर द इनडेफिनेट आर्टिकल सम क्वेंटी फाइंग डिटर्मिन कैन ओनली बी यूज विद सिंगुलर नाउन्स कुछ क्वेंटीफाइंग डिटर्मिनट्स होते सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं वो डिटर्मिनट्स हैं है? अनोदर एवरी ईच दीज आर दूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन वो हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं आई नीड अनोदर पेंसिल मुझे दूसरी पेंसिल काउ सीखता है आई आई लाइक एवरी चाइल्ड मुझे प्रत्येक बच्चा पसंद है ईच हाउस इज पेंटेड डिफरेंट कलर प्रत्येक हाउस है वो अलग कलर से रंगा हुआ है सो दीज आर द ट्वेंटी फाइव डिटर्मिनस दैट यूज बिफोर द सिंगुलर नाउन्स ट्वेंटी फाइव डिटरमिन आई दर अंड रेफर टू टू पीपल और थिंग्स ये ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है आयदर एंड नाइदर यूज बिफोर टू पीपल और थिंग्स जब दो चीज़ों की बात हो उनसे पहले आयदर और नाइदर का यूज़ होता है दो से ज़्यादा हो तो आयदर की जगह ईच और दो से ज़्यादा हो तो ना इधर की जगह नन यूज़ किया जाता है आय दर की जगह ईच और ना इधर की जगह नन दो तक ही हो तो आयदर और ईच का यूज़ होता है दो से ज़्यादा हो तो आयदर की जय ईच और ना इधर की जगह नन यूज़ किया जाता है आई डोंट लाइक आई दर ड्रिंक मुझे किसी भी बड़ा ड्रिंक पसंद नहीं है यानी ड्रिंक दो की बात हो रही है ना इधर सिस्टर हैज़ लॉन्ग हेयर दोनों ही बहनों भाई के बाल लंबे बाल नहीं इट मीन्स दो से ज़्यादा हो तो हम करेंगे ना इधर नहीं करेंगे हम करेंगे नन ऑफ सिस्टर्स नन ऑफ सिस्टर्स कोई नहीं hmm. नेक्स्ट सम आर यूज्ड विद सिंगुलर सम क्वेंटीफाइट डिटर्मिनट्स कुछ क्वानीफाइट डिटर्मिनट्स है आर यूज्ड विद सिंगुलर पल्युर और नाउंस ऑफ नो एग्जैक्ट क्वांटिटी कुछ डिटर्मिनट्स हैं वो यूज होते हैं सम डिटर्मिनट्स आर यूज कुछ क्वानीफाइव डिटर्मिनट यूज होते हैं विद सिंगुलर पल्युरल एंड नाउंस ऑफ नो एग्जैक्ट क्वान्टिटी सिंगुलर पल्युरल और कोई क्वान्टिटी नहीं है इससे संज्ञाओं से पहले यूज होते हैं दो सिंगुलर हैं प्लूरल भी हैं और कोई क्वांटिटी उनकी नहीं है वो डिटर्मिनर्स कौन से हैं दे आर एनी नो नो अदर द अदर ये डिटर्मिनर्स हैं जो सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ और कोई क्वांटिटी ना हो कोई मात्रा ना हो संज्ञा की उससे पहले भी यूज़ किए जाते हैं जैसे एनी विल बाइट इफ इट इज़ अफ्रेड कोई भी कुत्ता काट सकता है यदि तुम डरते हो तो एनी डॉग आर दियर आर दियर एनी गुड बुक्स इन द लाइब्रेरी क्या लाइब्रेरी कोई पुस्तक है अब देखो पहले एनी यूज हुआ है वो सिंगुलर है दूसरा एनी यूज हुआ है वो बुक से पहले यूज हुआ है वो पल्यूरल है सिंगुलर पल्यूरल और जिनकी कोई क्वांटिटी ना हो मात्रा नहीं बताई जाए उससे पहले एनी नो नो अदर आइदर का यूज किया जाता है एनी नो नो अदर आइदर अदर का यूज किया जाता है जिस जो सिंगुलर पल्युर है कोई क्वांटिटी नहीं हो दियर वोजेंट एनी स्पेस इन तक कपोर्ड कपोर्ड में कोई स्थान नहीं है नो चाइल्ड लाइक्स गेटिंग हर्ट कोई भी बच्चा गेटिंग हर्ट पसंद नहीं करता है ठेस पौ लगना पसंद नहीं करता है दी रोज नो पेंसिल इन द ड्रावर ड्रॉवर में कोई पेंसिल नहीं है दराजू को पेंसिल नहीं है वी हैव डन नो वर्क टूडे हमने आज कोई कार्य नहीं किया है सो दीज आर द नो डिटर्मिनर्स नो डिटर्मिनट्स है जो सिंगुलर पल्युर और ऐसे नाउन जो क्यों टिटी प्रदर्शित नहीं करते हैं नो चाइल्ड चाइल्ड इज सिंगुलर पेंसिल इज द पल्यूरल वर्क इज नो एग्जैक्ट क्वान्टिटी कोई क्वान्टिटी नहीं है देर इज नो अदर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम कोई अन्य रास्ता नहीं है नो अदर फ्रेंड्स कोई अन्य फ्रेंड्स नहीं है नो अदर फूड दीज आर सिंगुलर पल्यूरल एंड नो डिफाइनिंग एक्जिक डू यू लाइक दिस पिक्चर और द अदर पिक्चर्स क्या तुम्हें ये पिक्चर पसंद है या कोई अन्य पिक्चर पसंद है बॉयज अन्य लड़के द अदर म्यूजिक तो दीज आर यूज दीज डि यूजड बिफोर ए सिंगुलर पल्युरल एंड नो नो क्वेंटीफाइ नाउन्स सिंगुलर नाउन और पल्यूरल नाउन और जिनकी क्वेंटी ने बताने उन नाउन से पहले यूज किया जाता है सो नेक्स्ट इंटरेगेटिव डिटर्मिनट इंटरेगेटिव डिटर्मिनट द वर्ड्स वोट विच यूज आर ऐसे शब्द जो पर्सन पूछने के लिए संज्ञाओं से पहले यूज होता है वोट वोट किसका किसकी किसको सो दीज आर कॉल्ड द इंटरगटिव डिटर्मिनर्स दे आर यूज बिफोर द नाउ संज्ञाओं से पहले यूज होता है वॉट टाइम इज इट ये कौन सा समय वॉट टाइम तो ये संज्ञा से पहले यूज किया है वो टाइम वो डिजीज वोट कॉजेज वोट थिंग्स इट मीन्स संज्ञाओं से पहले ये यूज किया जाता है इसलिए है विच बॉय कौन सा लड़का विच एनिमल कौन से जानवर विच थिंग्स कौन सी चीजें विच ट्रीज कौन से पेड़ सो विच इज ऑल्सो डिटर्मिनर्स ज पेन हुज पेन इज दिन किसका हुज पेन हुज बैग हुज बैग इज दैट वे किसका है हुज फादर किसका पिता हुज बॉय किसका लड़का हुज स्कूल किसकी स्कूल तो ऑल दीज थिंग्स आर आस्किंग क्वेश्चन इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी संज्ञा से पहले अगर प्रश्न पूछा हो तो वो होता है इंटरव्यूटेड नेक्स्ट पॉजिटिव डिटर्मिनर्स पॉजिटिव डिटर्मिनर्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव जो पहले आपको भी बताई जा चुकी है पॉजिटिव एडजेक्टिव जो किसी का पर स्वामित्व तो बताए अपना जैसे माय योर हीज हर इट्स ओवर दियर आर यूज बिफोर नाउंस टू शो द ओनरशिप ये संज्ञाओं से पहले लगाए जाते हैं और स्वामित्व तो को प्रदर्शित करते हैं दे आर कॉल्ड पॉजिटिव डिटर्मिनर्स ये पॉजिटिव डिटर्मिनर्स या पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं आई गिव माई सैंडविच टू जॉन मैंने मेरी सैंडविच जॉन को दी माई सैंडविच इट द माई सोज सॉज ऑनरशिप माई वो ओनरशिप को प्रदर्शित कर रहा है इज दिस योर डेसिक क्या ये आपकी डेस्क है योर इज सोज पजिशन ये पजिशन अधिकार को बताता है ओनरशिप को बता ownership को रहा है एलन क्रेंसड क्रेंसड बाइक इन टू एलन ने अपनी बाइक को दीवार में ठोक दी मिसेज पार्क कीप्स हर हाउस वेरी क्लीन मिसेज पार्क अपने घर को सुंदर रखती है यहाँ पर मिसेज पार्क का स्वामी तो बताया जा रहा है डोग वॉज लिकिंग इट्स पॉज डोग अपना कुत्ता डोग यानी कुत्ता अपना पंजे को चाट रहा है सो धीरे धीरे स्नेक इन और गार्डन हमारे गार्डन में स्नैक है Next Susan and Peter have invited me to their party. Susan and Peter party So these are the positions. nouns. Here is a very important topic you are going to talk. The positions your can be used when you are talking to one person and more than one person. पजीस डिटर्मिनेंट्स योर है पजेस डिटर्मिनेंट्स योर है वो जब आप एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो भी योर एंड एक से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो भी योर बिकॉज योर इज़ सिंगुलर एंड बी सेकेंड पर्सन सुनने वाला एक हो तो भी यू यूज होता है एक से ज़्यादा हो तो भी यू तो पजेस डिटर्मिनेंट्स योर है वो एक से बात कर रहे हो तो भी यूज़ किया जाता है एक से ज़्यादा बात कर रहे हो तो भी यूज होता है आई एम वेरी हंगरी विद यू जॉन आई एम वेरी हंगरी विद यू जॉन जॉन मैं बहुत भूखा हूँ तुम बहुत ही आई एम वेरी एंग्री विद यू जॉन जॉन मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ योर बिहेवियर हैज़ बिन वेरी बैड टूडे तुम्हारा व्यवहार बहुत गलत है जेक एंड जोस योर डिनर इज़ रेडी जॉन जेक एंड जोस यहाँ पर देखो पल्युरल है फिर भी योर यूज योर डिनर इज़ रेडी सो so, पोजी आर्टिकल योर इज़ यूज बिफोर सिंगुलर एंड पल्युरल द टेबल विल हेल्प यू रिमेंबर हाउ टू यूथ पजिशिव नाउन पजिशि कैसी यूज करनी है इसके लिए टेबल दी भी है यहाँ देखो इफ द सब्जेक्ट इज आई यूथ पजिस्ट माई देखो आई हो तो पजिस्ट टू माई मी है तो बी माई यू है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तो पजिस्ट योर यदि सब्जेक्ट ही है या ऑब्जेक्ट हिम है तो पजिस्ट हिज यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सी और हर है तो पजिस्टड हर और यदि पजेसिव डिटर्मिनर्स इट है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है इट है तो पजेसिव डिटर्मिनस इट्स आएगा बी और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वी और एस है तो पजेसिव डिटर्मिन योर्स आए और आएगा यू है तो योर्स आएगा दे अथवा देम है सब्जेक्ट दे है तो ऑब्जेक्ट दे में तो पॉजिटिव डिटेन आएगा तो कीप इन माइंड ऑल दिस डिट्री फ्रेंड्स भी आपको ध्यान रखना है करता यदि आई और मी करता आई है या कर्म मी है तो पजिस्टिव डिट्रमेंट माई आएगा और यदि करता यू है कर्म यू है तो पॉजिटिव डिट्रब्स योर्स आएगा सो so, ये सारणी पहले मैंने आपको बताइए प्लीज़ आई टोल्ड यू बिफोर माई वीडियो नेक्स्ट नंबर्स नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स न्यूमेरिकल डिटर्मिनट्स होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सो न्यूमेरिकल न्यूमरिकल डिटर्मिनसो नंबर्स नंबर्स आर डिटर्मिन नंबर्स डिटर्मिनट्स होते हैं नंबर्स आर डिटर्मिन टू वो भी नंबर्स नंबर होते हैं नंबर्स आर ओपन यूज बिफोर नाउंस नंबर्स हैं वो नाउन से पहले यूज किए जाते हैं टू टेल यू ऑब्जेक्ट टेल यू एग्जैक्टली एग्जैक्टली बताने के लिए हाउ मेनी पीपल और थिंग्स आर दियर कि कितने लोग वहाँ पर हैं कितने लोग हैं ये बताने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं वो नंबर्स भी नूमरिकल डिटर्मिनेंस कहलाते हैं से देखो और फैमिली हैज़ टू डॉग्स हमारे परिवार के पास दो कुत्ते हैं एग्जैक्ट नंबर्स टू टू इज द एडजेक्टिव दूमरिकर आर ट्वेल्व मंथ्स इन ईयर वर्ष में दो बारह महीना होते हैं वी बोट थ्री पिज्जा हमने तीन पिज़्ज़ा खरीदे माई ग्रांड मदर लीवुड फॉर हंड्रेड ईयर्स सौ वर्ष तक मरदा दिमाही सो दीज आर दूमेरिकल एब्जेक्टिव देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स दो प्रकार के नंबर होते हैं कार्डिनल औरजिनल औरजिनल नंबर्स आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये औरजिनल नंबर्स होते हैं जो किसी डेफिनेट नंबर नंबर बताते हैं और कार्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट जो फ्रीकुनसी बताते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इनसे पहले हमेशा द यूज होता है और कार्डिनल नंबर्स के बाद हमेशा सिंगुलर होती है द फर्स्ट क्लास द नाइंथ क्लास द नाइन्थ टेंथ ग्रेड तो कार्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इनसे पहले यूज़ होता है इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होती है ओरडिनल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इनके बाद

कुछ लोग हैं सर्दी को पसंद करते हैं बहुत से अन्य भी है जो गर्मी को पसंद करते हैं ए लिटिल लेस दिस बर्ड बहुत कम स्थान फाइव प्योर चिल्ड्रन पांच थोड़े से बच्चे सो दीज आर नंबर्स के साथ यूज़ किया जा रहा है इंडिफिनेंट नाउट्स को यूज ऑफ बिटवीन क्वेंटीफाइ डिटर्मिनेंट्स और अनदर काइंड ऑफ डिटर्मिनेट्स यूज ऑफ 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 प्रिपोजिशन यूज होता है कई बार इनडेफिनेट डिटर्मिनेंट्स के बीच में आई डोंट लाइक एनी ऑफ दीज ड्रिंक्स मुझे इन ड्रिंक्स में किसी को कोई सा ड्रिंक पसंद नहीं है सम ऑफ माई फ्रेंड्स कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं सम ऑफ माई फ्रेंड्स दीज एनी ऑफ दीज ईच ऑफ द बॉयज इनऑफ ऑफ योर्स फाइव ऑफ दीज एनी ऑफ दे दीज आर दे प्रीपोजिशन ऑफ बिटवीन द इनडेफिनेट डिटर्मिनेट्स इनडेफिनेट डिटर्मिनेट्स ट्वेंटी डिटर्मिनेट्स के बीच में ऑफ यूज किया जा सकता है ट्वेंटी ऑल मे बी यूज विद और विदाउट ऑफ ऑल है, है वो ऑफ के बिना और ओप के साथ यूज किया जाता है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑल ऑफ दड़केट ऑल ऑफ द फूड इन द फ्रीज फ्रीज पूरा भोजन हमने खा लिया ऑल द फूड कह दो ऑल ऑफ द फूड कह दो देर इज नो डिफरेंस ऑल ऑफ द फूड एन ऑल फूड ही स्पेंड्स ऑल ऑफ इज टाइम उसने पूरा समय बिता दिया ऑल ऑफ इज टाइम ऑल द टाइम कह दो ही ऑल ऑफ हिज फ्रेंड ऑल ऑफ माई से वह मेरे पूरे सभी मित्रों को पसंद करता है ऐसा likes, likes भी कह सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज प्लीज लिसन रीड द फॉलोइंग पेज एंड राइट द करेक्ट आर्टिकल इन ईच ऑफ द ब्लैक स्पेस में आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है

अपार्टमेंट रहती है मोम के साथ डेड के साथ सिस्टर के साथ सिस्टर कैटी के, के साथ है द अपार्टमेंट देखो अपार्टमेंट दूसरी बार यूज हुआ है तो इससे पहले वी यूज ए द अपार्टमेंट दूसरी बार यूज हुआ तो उससे पहले द यूज करेंगे वो सेम ही अपार्टमेंट द अपार्टमेंट हैज़ थ्री बेडरूम्स अपार्टमेंट तीन बेडरूम है ए किचन किचन पहली बार यूज हुई है तीन बेडरूम है ए किचन ए बाथरूम बाथरूम भी पहली बार यूज हुआ है एंड ए लिविंग रूम और एक लिविंग रूम है तीन पहली बार यूज हुई है इनडेफिनेट है और दिस इज़ यूजिंग फर्स्ट टाइम इन द कन्वर्जेशन वार्तालाप में पहली बार यूज हो रही है सुनने वाले को पता नहीं है अपार्टमेंट के बारे में उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये चीज़ें और इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस में नई चीज़ होती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है उससे पहले ए एन यूज होता है तो देखो द अपार्टमेंट हैज थ्री बेडरूम्स ए किचन ए बाथरूम और ए लिविंग रूम जोन्स मोम वर्क्स इन ए ऑफिस इफ ए इन एन ऑफिस दूसरे देखो इन एन ऑफिस होगा क्योंकि ये किससे शुरू है ओ से शुरू है ऑफिस तो ये एन यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और फर्स्ट टाइम यूज हुई है इंट्रोड्यूस की जा रही है, जोन है एक जोन की मम्मी है और एक ऑफिस में कार्य कर रही है विद डेड एंड इज डेड स्टेड स्टे एट द होम यहाँ पर देखो सुनने लोग को पता है ये होम कौन सा है द होम ये डेफिनेट है लुक्स ऑफ्टर द अपार्टमेंट और अपार्टमेंट की देखभाल कर रहा है अब दोबारा यूज हो रहा है वही अपार्टमेंट उसका पिता है घर पर रहता है अपार्टमेंट की देखभाल करता है ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द किचन अब जो किचन दोबारा यूज हुआ है वो अधिकांश में किचन में बिताता है ये दाएगा एक बार आ गया पहली बार किचन से पहले ए यूज हुआ है दोबारा किचन से पहले द प्रिपेरिंग मील्स जॉन एंड के टी हेल्प्स दियर डेड जॉन और के टी है अपने डेड्स की हेल्प करते हैं जॉन और केटी अपने डेट की हेल्प करते हैं विद द होमवर्क विद द होमवर्क यहाँ देखो डेफिनेट है इसलिए द यूज होगा विद ए होमवर्क नहीं हो सकता कभी ही. क्योंकि ये अनकाउंटेबल है विद द होमवर्क विद होमवर्क विद होमवर्क विद द होमवर्क विद होमवर्क विद हाउस वर्क नो आर्टिकल देर इज नो आर्टिकल जोन लाइक्स यूजिंग ए वैक्यूम क्लीनर जोन लाइक्स ए वैक्यूम क्लीनर देखो क्लीनर सिंगुलर है और पहली बार यूज हुआ है जोन को वैक्यूम क्लीनर पसंद है खाली क्लीनर पसंद है केट लाइक्स टू स्वीप ए फ्लावर स्वीप द फ्लावर स्विप सिंगुलर नाउन हुई पहली बार यूज हुई तो द यूज होगा सिंगुलर नाउन है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये डेफिनेट है इसको सुनने लोग पता है कि फ्लावर कौन सा घर का फ्लावर डेड लीव्स गिव जॉन एंड केटी मनी डेड ने जॉन और केटी को धन दिया वेन दे हेल्प हिम जब वे उसकी सहायता करते हैं दे यूजल स्पेंड दे यूजली स्पेंड द मनी ऑन द ऑन द कंप्यूटर गेम्स ऑन द कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर गेम्स ऑन द कंप्यूटर गेम्स On computer games i think there is no article computer games so these are the articles friends thank you all of you for listening my uh, watching my video please if you like my video please subscribe and like my video thank you all of you